अमेरिका ने भारत, चीन, रूस समेत 7 देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है। यह कदम बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और परिवर्तन के लिए उठाया गया है। इस लिस्ट में शामिल किए गए 4 अन्य देश जो हैं वो है अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला। इस साल के लिस्ट में शामिल ये 7 देश पिछले साल के लिस्ट में भी मौजूद थे। अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में अमेरिकी कारोबार प्रतिनिधि USTR कैथरीन टाई ने कहा कि आने वाले साल के दौरान ये देश विशेष रूप से गहन द्विपक्षीय जुड़ाव का विषय होंगे। ये रिपोर्ट अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों की बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आधारित है। ये रिपोर्ट बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और प्रवर्तन की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा है। इस साल की स्पेशल 301 रिपोर्ट के लिए USTR ने 100 से ज्यादा कारोबार भागीदारों की समीक्षा की है। वहीं इस संबंध में जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि रूस की ओर से 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने की वजह से यूक्रेन की समीक्षा अभी स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है जिसे यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा हर साल जारी किया जाता है, ये व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत इसे पब्लिश किया जाता है। ये साल 1989 से प्रकाशित हो रही है। ये रिपोर्ट मूल रूप से उन देशों को सूचीबद्ध करती है जो अमेरिकी कंपनियों को पर्याप्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं देते हैं। अब भारत के बारे में जो कहा गया है जरा उसको समझिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत बौद्धिक संपदा सुरक्षा की प्रगति में असंगत रहा है। हालांकि बौद्धिक संपदा के प्रवर्तन में धीरे धीरे सुधार हुआ है, भारत इनोवेटर्स के लिए लाभ प्रदान करने में थोड़ा पीछे है। पेटेंट मुद्दा भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। भारतीय पेटेंट कानून में पेटेंट वैधता का अभाव है और पेटेंट मानदंड की काफी संकीर्ण है। इन तमाम चुनौतियों के बाद आपको समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी सरकार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO या दूसरे प्रासंगिक व्यापार समझौते पर विवाद निपटान की कार्यवाही शुरू कर सकती है और अमेरिकी सरकार एक तरफा टैरिफ प्राथमिकताओं जैसे कि सामान्यीकृत प्रणाली यानी GSP को समाप्त कर सकती है। अब जिस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ वो था बौद्धिक संपदा, जरा उसको समझिए। बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है वो एक निजी अधिकार होता है जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं। साथ ही साथ औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति या व्यक्तियों या कानूनी कंपनियों को उनकी रचनात्मक अथवा नव प्रयोग के संरक्षण के लिए दिए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी भी प्रकार या आकार की अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार, नवाचार, सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भारत को भी अब अमेरिका ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।